रक्षी बेगुनाह है, दरवाजा भी बेगुनाह है और अनाज भी बेगुनाह है, ये सब बेगुनाह है। अगर इसी मानी के इंसान भी बेगुनाह हो तो ये कोई पास जौहर नहीं हुआ। तो धरा जी का जो कमाल है वो बेगुनाही में इख्तियार है, यानी अपने इरादे से बेगुनाह। जना के अब इस मंदिर में हमारे सामने दो सिंह हैं, एक मलाइका है और एक मासूम हस्तियां जो अल्फाज पुरानी में तुम्हें मिलते हैं। कोई मेरी बात नहीं है पुरानी कतरफा, लेकिन ये और हमें उसूल दीन में उनकी हिसाबत को मानना नहीं है। हमें उसूल दीन में इनके हिसाबत को मानना, उनकी इसमत हकीकत पुरानी है, इनकी इसमत हकीकत अगली है। यानी जिब्रील मिकाईल के मासूम होने पर कुरान के नुस्खे में कोई दलील अगली नहीं है, मगर गोल्ला जा रही नाम बहुत में
संसाही भी है और संसाही भी है और दर्दाही भी है और दर्दाही तो दर्दा याद होंगे पितरों को दर्दाही तो कौन पूछेगा उनके लिए दलील हिकमत कुरान से है। अक्ल फिरिश्तों के वजूदी को कहां बताती है जो उनके औसाफ को बताए कुरान ने बताता तो हम जिब्रील को मानते ही क्यों कुरान ने कहता तो मीकाईल को मानते ही क्यों हमने तो आंखों से नहीं देखा अब वो न माने जो गैब के मुमकिन है मगर अब हम तो बेदेखी और हकीकतों के उसकी तरफ की दलीलों से मानने के पर मजबूर हैं लिहाजा मजबूर है जिब्राइल के मानने पर भी मिकाईल के मानने पर भी साबिर के मानने पर भी कभी नहीं कहेंगे कि हमने नहीं देखा न ये कहेंगे कि इतनी उम्र के हर नबी के दौर में पूरे हर रसूल के दौर वहां न पूरे उम्र की बहस होगी जिन्हें नहीं मानना है उसमें तब बहस आसान नहीं है कि कुरान में देख लीजिए कि वो मेरा जो रूहानी